जब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, तब केरल के अलपुजा जिले की एक मस्जिद ने एक हिंदू लड़की की शादी करवाकर आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की है। मस्जिद कमेटी ने न सिर्फ लड़की की शादी करवाई बल्कि नए जोड़े को कई तोहफे भी दिए। देश के कई हिस्सों में जब सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है, तब केरल की एक मस्जिद कमेटी ने एक हिंदू जोड़े की शादी करवाकर आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की है। ये मस्जिद अलपुजा जिले के चेरुवली में है। इस मस्जिद में हिंदू जोड़े अंजू और शरद की शादी हिंदू रीति रिवाज से करवाई गई। मस्जिद में पंडित ने मंत्र पढ़वाए और जोड़े ने सात फेरे लिए। मस्जिद में सभी मेहमानों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम था। शादी के बाद यहां तकरीबन 1000 लोगों ने खाना खाया। मस्जिद कमेटी ने बताया कि अंजू के पिता अशोक की 2018 में मौत हो चुकी है और परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अंजू की मां बिंदु ने मस्जिद कमेटी से बेटी की शादी में आर्थिक मदद की अपील की थी। इसके बाद मस्जिद के सचिव नजमुद्दीन ने अंजू को सोने के 10 सिक्के और 2,00,000 रुपए तोहफे में दिए। नजमुद्दीन ने बताया कि अशोकन की मौत के बाद से ही परिवार आर्थिक संकट में है। उन्होंने अंजू के सबसे छोटे भाई की पढ़ाई के लिए निजी तौर पर मदद की थी। अंजू की शादी का खर्च मस्जिद कमेटी ने उठाया है। सांप्रदायिक सद्भाव की इस मिसाल पर केरल के सीएम पिनरई विजयन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये केरल से एकता की एक मिसाल है। चेरुवली मुस्लिम जमात मस्जिद ने हिंदू जोड़े की शादी कराई। अंजू की मां की अपील के बाद मस्जिद कमेटी मदद के लिए आगे आई। सीएम पिनरई विजयन ने इस मिसाल के लिए नए जोड़े, परिवार, मस्जिद कमेटी और चेरुवली के लोगों को मुबारकबाद दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।